परमेश्वर, पिछले क्लास में हमने सीखा परमेश्वर किसकी मर्जी करता है, अपनी ही मर्जी करता। ये बात हमने अच्छी तरह समझना, ये कड़वी गोली है, मैं बार बार बोल रहा हूं। हम चाहते हैं कई बार डॉक्टर हमें मीठी गोली दे, लेकिन हमारे तबीयत ठीक होना है तो कई बार क्या चाहिए, कड़वी गोली खा लोगे तो तबीयत ठीक हो जाएगा। हम एक ऐसा परमेश्वर चाहते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर चाहे तो हमारी इच्छा के अनुसार काम कर सकता है, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। वो सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता के लिए कोई काम क्या नहीं है, मुश्किल है नहीं। लेकिन हमारी इच्छा करता क्यों नहीं है? मैं पिछले बार भी आपको बताया विषय, क्या परमेश्वर हमारी सारी प्रार्थनाएं सुनता है नहीं सुनता? हाँ जी, क्या परमेश्वर हमारी सब प्रार्थनाएं सुनता है या नहीं सुनता? हाँ जी, सुनता तो है, लेकिन दुख क्या है, हमारी सब प्रार्थनाओं का क्या नहीं देता, जवाब नहीं देता, दुख लगता है। हम तेरे पीछे सच्चे मन से चल रहे हैं बाप, प्रार्थना करते हैं, वचन सीख रहे हैं, जब दूसरे बेईमानी करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, तू मेरे जीवन में ऐसा करता क्यों है, तू मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहा। हम लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। ध्यान रखे, ऐसी परिस्थितियों में हम अगर वचन में दृढ़ नहीं हैं तो हम हताश हो जाएंगे, जीवन से निराश हो जाएंगे। परमेश्वर आप खुद अपने जीवन को दें, आपकी सब प्रार्थनाओं का जवाब नहीं दिया, लेकिन जो बातें सोची नहीं थी वो बातों को परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। क्यों? वो उसके द्वारा हमसे क्या बता रहा है, मुझे तेरी चिंता है, मैं तुझे प्यार करता हूं, इसलिए मैं तेरी सारी प्रार्थनाओं का क्या नहीं दे रहा, जवाब नहीं दे रहा। देना बड़े आराम से दे सकता हूं, तेरे को खुद नहीं मालूम तेरे लिए अच्छा क्या है। उदाहरण, अगर मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरा करने में कोई मुश्किल बात नहीं। हमें से कईयों के पास घर नहीं, हम बोल सकते हे प्रभु तू मुझे एक घर दे दे, इच्छा है। सो अंदर इच्छा ये भी तो है, कितना बड़ा घर चाहिए। कई लोग बोलते दो मंजिल चाहिए, तीन मंजिल चाहिए। हमें खुद नहीं मालूम कि हमें कितना बड़ा घर चाहिए। एक उदाहरण, हम सब नौकरी करते हैं, ज्यादातर लोग पैसे के लिए सोचते हैं, पैसा मिलेगा तो जीवन में शांति आएगी, यही ना सोच है, इसलिए ना मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको परमेश्वर आज 500,000 रुपया दे दे, 500,000 छोड़ो 1,00,000 रुपया दे दे, रात को आप सोएंगे या नहीं सोएंगे? बोलिए भाई लोग, बोलिए। 1,00,000 रुपया परमेश्वर ने आपको आज दे दिया, रात को नींद आएगी नहीं आएगी? हाँ जी, क्यों नहीं आ रही? सो जाओ ना, कल ड्यूटी जाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या आ गया, 1,00,000 रुपया आ गया ना, आराम से सो जाओ। बहन लोग बोलो, भाइयों को तो नींद नहीं आएगी, आपको तो नींद आ जाएगी ना? हाँ जी, नहीं आएगी। अगर 1,00,000 रुपया, 1,00,000 छोड़ो 10,000 रुपया हमारा नींद उड़ा सकता है, तो हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हम सोचते पैसा हमें सुखी करेगा। जिनके पास पैसा है, आप उनके साथ बैठकर 2 मिनट बात कर लो, उनकी तरह दुनिया में दुखी और कोई नहीं होगा। इतना पैसा उनके पास है, ये हालत बनी हुई है कि चाय में चीनी तक नहीं डाल सकते। पैसा है, बैंक में करोड़ों हैं, लेकिन चाय में क्या नहीं डाल पा रहे, चीनी नहीं डाल। फिर तेरा पैसा किस काम का?
चीनी के बिना का चाय चीज क्या है? खाना भी ढंग से नहीं खा पाते क्योंकि डॉक्टर बोलते हैं तेरे को प्रेशर है, ना तो तूने नमक खाना है, खाने में ना नमक ना हो तो फिर कैसा खाना, ना तो चीनी खा पाते हैं ना तो नमक खा पाते, फिर करोड़ों रखकर मतलब क्या है? बोलने का मतलब, परमेश्वर हमारी इच्छाएं पूरी करता क्यों नहीं? क्योंकि उसको मालूम है हमारे विचार सब मिथ्या हैं। मिथ्या का मतलब थोड़ी देर का है, फालतू है। हमारी इच्छाएं बदलती रहती हैं, हमारे इच्छाओं का कोई ठिकाना नहीं है। आज कुछ है तो कल कुछ और है। इसलिए बाप होने के नाते सिर्फ वो ही देगा जो हमारे लिए अच्छा है। एक उदाहरण, आप अपने बच्चों को सब कुछ खरीद के दोगे जो आपका बच्चा मांगता है? बोलिए, खरीद के दोगे? दोगे नहीं दोगे? हाँ जी, नहीं देंगे। पैसे हैं तो क्यों नहीं देंगे? क्योंकि बच्चे को सुबह रोटी नहीं चाहिए, सुबह नाश्ते में चाहिए आइसक्रीम, दोपहर को चाहिए चॉकलेट, रात को चाहिए बिस्कुट। माँ बाप डंडा मार कर क्या बोलते हैं, तूने क्या खाना है? दाल और चावल या रोटी खाना है। हमारे पास पैसे हैं तो भी बच्चे को खरीद कर क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हमें मालूम है तेरे लिए अच्छा क्या है। अगर हम बुरे होकर अपने बच्चों की भलाई सोचते हैं तो क्या हमारा स्वर्गीय पिता हमारी भलाई नहीं सोचता? इसलिए हमारी प्रार्थनाओं का कई बार क्या नहीं देता है, जवाब देता नहीं है। वो ही करता है जो उसकी नजर में अच्छा है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, उत्पत्ति दूसरा अध्याय निकाल लें, उत्पत्ति दूसरा अध्याय, दूसरा का 9 पढ़िए। और यहोवा परमेश्वर ने हाँ हाँ भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर हाँ और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए हाँ, उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को हाँ और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी हाँ लगाया लगाया हाँ और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली हाँ और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई हाँ। पहली धारा का नाम पिशोन है। बस इतना काफी है। इधर हम देख रहे हैं, मैंने पहले भी आपको सिखाया, सिर्फ रिवाइंड कर रहा हूं। इच्छा के विषय में परमेश्वर ने अदन बगीचा में क्या किया? 2 पेड़ लगाए। क्या नाम क्या है 2 पेड़ों का? नाम क्या है? भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष और दूसरा जीवन का वृक्ष है। सर्वज्ञानी परमेश्वर का आदत आपने समझना है, वो अपनी ही इच्छा करता और हम उससे ये नहीं बोल सकते तूने ये क्यों किया, ये क्या किया। सर्वज्ञान ने मनुष्य को, सर्वज्ञानी ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, अपने जैसे बनाकर उसके सामने विषय रख दिया। फैसला तूने करना। 2 पेड़ क्या दिखा रहे? 2 सिद्धांत। या तो तू अपनी मर्जी से चल या तू मेरी इच्छा के लिए समर्पित हो जा। 2 विषय रखे। इंसान ने फैसला क्या करना है? या तो परमेश्वर की इच्छा या मेरी इच्छा। शैतान आदम के पास, हव्वा के पास आकर क्या बोलता है? तू अपनी मर्जी कर सकता। यही शैतान जो अदन बगीचा में आया आपके और मेरे पास भी आकर क्या बोलता है? तू क्यों परमेश्वर के भरोसे जीता है? तेरे में तो खूबी है, तू अपनी मर्जी कर। आजकल बहुत से विश्वासी अपना दिमाग लगा रहे दूसरों को दिखाने के लिए कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। उस बात का गंभीरता समझना आपके लिए कितना खतरनाक है।
इधर शैतान आकर बोल रहा है तू किसके समान हो जाएगा, परमेश्वर के समान हो जाएगा। आदम और हव्वा ने गलती किया क्या, उन्होंने क्या फैसला लिया, परमेश्वर तूने सब बातें दी इसके लिए धन्यवाद, हम इस लायक नहीं थे, तूने सब कुछ दिया, लेकिन अब से आगे सही क्या है गलत क्या है वो फैसला हम लेंगे। परमेश्वर ने मौका दिया, इंसान ने फैसला क्या किया कि आगे से फैसला कौन लेगा, हम लेंगे। जब फैसला लेते ही चौराहे पर आए, परमेश्वर की मर्जी या मेरी मर्जी। आज हम विश्वासियों में बहुत लोगों का संघर्ष किया, चौराहे में खड़े हैं, इधर जाना इधर जाना, मैं अपनी मर्जी भी कर सकता हूं, परमेश्वर की इच्छा भी कर सकता हूं। सो इसके बीच में बहुत से विश्वासी लटकते हैं और परमेश्वर ध्यान से देख रहा है आप क्या फैसला ले रहे हैं। कौन देख रहा, परमेश्वर देख रहा है, आपके हाथ में है। हम चाहते कैसे ना कैसे मेरी इच्छा पर परमेश्वर की क्या हो, आशीष हो। अगर परमेश्वर आपकी इच्छा पर आशीष दे देगा तो फिर कल परमेश्वर को क्या नहीं देना, दोष नहीं देना। आदम ने फैसला लिया और आज उस फैसले के कारण पाप इतना बढ़ गया, आप देख सकते हैं, मैं चित्र दिखा रहा, इंसान का फैसला क्या है, मैं अपनी मर्जी से चलूंगा। देख लीजिए बगीचे से बाहर निकलने के कारण हुई मुसीबत क्या क्या है। कईयों के पास खाने के लिए ज्यादा है, कई खाना फेंकते हैं, कईयों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। इसके लिए जिम्मेवार कौन? आज बहुत से लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर न्यायी है तो दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा। इसके पीछे परमेश्वर को दोष देकर मतलब नहीं है, इंसान ने क्या कहा कि मैं खुद करूंगा। अभी उदाहरण, कांग्रेस ने बहुत साल हरियाणा में दिल्ली में राज्य किया, भाजपा आई, भाजपा ने बोला हमें भी मौका दे दो हम समस्या का हल करेंगे, तो हमने कांग्रेस को दूर फेंक कर किसको मौका दिया, भाजपा को वोट दिया। हमने बोला चल ये तो इतने साल बैठ गए, अब तू बैठ, अब तू चला, अब ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सालों के बाद हम फिर बैठेंगे, फिर सोचेंगे ये तेरे से चल पाया या नहीं पाया, और फिर हम तय करेंगे वोट देना किसको है। इंसान कोशिश कर रहा है चलाने के लिए, सोचता क्या है मैं खुद कर सकता हूं। आगे देख लीजिए हालत क्या है, कई जगह में भुखमरी है, कई सड़क में भूखे सो रहे हैं, मौसम बदल गया है, पीने के लिए पानी नहीं है। आपने इस साल गर्मी में देखा होगा सरकार को ट्रेन भर भर कर महाराष्ट्र में पानी भेजना पड़ा, पानी की गाड़ी जाती थी रेलगाड़ी, क्यों, पीने के लिए क्या नहीं है, पानी नहीं है। सरकार करे क्या, अब बोलते हैं इस साल बारिश बहुत होगा, खुदा जाने होगा या नहीं होगा। पहले ही 7 दिन लेट हो गया, बोलते थे ठीक टाइम पर आएगा, June 1 को केरला में बारिश आती है, बोले इस साल बराबर बारिश है, सब आस लगाकर बैठे थे। फिर जो बोलते थे 1 को आएगा उनका कोई अता पता नहीं, फिर बाद में बोलते 7 को आएगा, इनका कोई गारंटी नहीं, अब बोलते बादल आ रही है 30 तक दिल्ली पहुंच जाएगी। इनकी बातें सुनने से ऐसे लगता है जैसे बादल ने इनको चिट्ठी भेजा है, मैं 1 को दिल्ली पहुंच जाऊंगा, अपना ही अनुमान लगाते हैं, खुदा जाने बादल आ जाए और एक बूंद पानी ना हो। कई जगहों में बाढ़ आता है, कई जगह सूखा है,
परमेश्वर बोलता है तूने फैसला किया ना खुद चलेगा, अब तू चला, देखू तो सही तू कितना चला सकता है। दुनिया भर अब उग्रवाद का समस्या इतना बढ़ गया, अब करे क्या? इन सबके पीछे का दोष किसका? देश बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? इंसान ने फैसला क्या किया है? ये हवाई जहाज जो गया है कितने साल हो गए? 3 साल हो गए, आता पता नहीं है किधर गया। दुनिया परेशान है, क्या करे किसी को मालूम नहीं चल रहा। सो दुनिया में जब पाप इतना बढ़ रहा है, अब आपको मालूम है ना, पंजाब में अभी एक फिल्म निकली है, क्या नाम है उसका, उड़ता पंजाब। सरकार बोलती है इधर कोई नशा का कोई प्रोग्राम नहीं है, पंजाब में कोई नशा नहीं है। हमें मालूम है रात को जो दात्री लेकर गुंडे सड़क में खड़े डकैत, हम मक्खू में मीटिंग में थे, मक्खू मीटिंग रात को खत्म हुआ, रात को हम अपना रिकॉर्डिंग का काम कर रहे थे, तब 2 आदमी खिड़की से कूद कर अंदर आए, सांस नहीं ले पा रहे थे, हमसे बोला पानी दे दो, बोला क्या दिक्कत हुई, बोलते 15 किलोमीटर पीछे से हमें डकैत भगा रहे थे। मुख्यमंत्री क्या बोलता है, पंजाब में कोई नशा है नहीं, जबकि खुलेआम नशा मिलता। पिछले बार हम काला अफगाना में थे, सुबह 6 बजे एक नौजवान टाटा सफारी गाड़ी को चला रहा है रोड में, दरवाजा खुला है, खड़ा है साहब, खड़ा होकर एक हाथ से स्टीयरिंग से टाटा सवारी चला रहा है सुबह 6 बजे। और पंजाब सरकार क्या बोलती है, पंजाब में क्या नहीं है, नशा है नहीं। अब इसका इलाज करे कहां से? मेरा ये बोलने का विषय क्या था, इंसान ने फैसला क्या किया, मैं अपनी मर्जी करूंगा। आज इंसान भुगत रहा है। परमेश्वर का आदत है कि हमें जब आजादी दी वो हमारी इच्छा को आदर करता, किसी को धमकाता नहीं है, किसी को लालच भी नहीं देता। आजकल बहुत से लोग पैसे के लालच के पीछे धर्म बदलते हैं। मैं आपसे खुलकर यह बताना चाहता हूं, अपना धर्म बदलना नहीं, किसी की गरीबी का नजायज फायदा उठाने का हम किसी को हक नहीं है। किसी को धमका नहीं सकते, किसी को लालच नहीं दे सकते। परमेश्वर ने सबको क्या दिया हुआ है, आजादी दी है, फैसला इंसान ने करना है। परमेश्वर की आदत है, परमेश्वर आपको मौका देता है फैसला करने का। पढ़िएगा पहला राजा 16 अध्याय, परमेश्वर के स्वभाव को आप देखिए। पहला राजा 17 अध्याय, क्षमा करिए 17, उसका 2 से 7 तक एक घटना पढ़ लीजिए। पहला राजा 17 उसका 2 से 7 तक। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, उसके पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूरब की ओर मुख करके करीत नाम नाले में जो यर्दन के सामने है छिप जा, छिप जा। हाँ। उसी नाले का पानी तू पिया कर। हाँ। और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। हाँ। यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के सामने के करीत नाम नाले में जाकर छिपा रहा, छिपा रहा आगे। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। हाँ। और वह नाले का पानी पिया करता था। हाँ। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। इधर सिर्फ मैं एक घटना, मेरा सिर्फ समझाने के लिए, परमेश्वर ने एलिया को बोला था कौन से नाले के पास जाकर बैठना, कौन सी दिशा में है, वो सब बताया। और जैसे परमेश्वर ने बोला, एलिया उस बात को मानकर उस जगह में बैठा। बैठने के कारण परमेश्वर ने कौओं के द्वारा उसको क्या किया,
खाना खिलाया, लेकिन चलते चलते एक समय आ गया, नाले का पानी क्या हो गया, सूख गया। परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर की आवाज सुनकर एलिया उधर बैठा, बैठने वक्त भी उस नाले का पानी क्या हो गया, सूख गया। परमेश्वर हमें परखता है, ध्यान रखे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें क्या करता, परखता है। परखने का मतलब वो सर्वज्ञानी है, उसको कुछ जानने की जरूरत नहीं। वो हमें क्यों परखता है, ताकि हमें हमारी हाल बता दे कि तू ये है। अब पानी जब सूख गया, एलिया उधर से उठ सकता था, लेकिन एलिया क्या कर रहा, उस जगह से क्या नहीं किया, उठा नहीं है। क्यों नहीं उठ रहा, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे एक ने इधर क्या किया, भेजा है। जब तक वो मुझे नहीं बोलेगा, तब तक मैं इधर से क्या नहीं करूंगा, उठूंगा नहीं। मैं अपनी मर्जी कर सकता हूं। परमेश्वर आपके सामने ऐसा माहौल बनाएगा कि आप चाहिए तो अपनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन आपके फैसले को परमेश्वर देख रहा है। एक दूसरे व्यक्ति को देख लीजिए, उत्पत्ति 12, उधर एक आदमी, उसका नाम अब्राहम। 12:10 पढ़िए, उत्पत्ति 12:10। और उस देश में अकाल पड़ा, उस देश कनान में अकाल पड़ा, और अब्राहम मिस्र देश को चला गया, अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे। अब इधर अब्राहम के जीवन को देखें। परमेश्वर ने अब्राहम को कनान में लाया, लाने के बावजूद इस कनान में क्या आ गया, अकाल आ गया। जब अकाल आ गया, अब्राहम सारा के साथ किधर जा रहा है, मिस्र को जा रहा है। आगे पढ़िए 11 वचन। फिर ऐसा ध्यान से पढ़ना, फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर, इधर लिखा है मिस्र के निकट पहुंचकर, उसने अपनी पत्नी सारा से कहा, अपनी पत्नी सारा से क्या कह रहा है, सुन मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, मुझे मालूम है तू खूबसूरत है। तो पत्नी बोली, तो अभी मालूम चला क्या, आगे, इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, ये उसकी पत्नी है, सो मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे, लेकिन तुझको जिंदा रखेंगे। हाँ, सो यह कहना, तो ये कहना कि मैं उसकी बहन हूं। ध्यान से समझना, मिस्र में क्या आया, कनान में क्या आया, अकाल। हमारे भाई साहब और सिस्टर जी दोनों जा रहे हैं, जाने वक्त मिस्र में पहुंचे नहीं है, पहुंचने के पहले भाई साहब पत्नी को क्या बोलता है, एक बात तुझसे करनी है। क्या बात, हम उधर जाएंगे, तू खूबसूरत है, मेरे को तो मार डालेंगे, तुझे तो जिंदा बचा देंगे, इसलिए एक काम कर, तू उधर क्या बोलना, तू मेरी क्या है, बहन है। जरा सोच कर देखे बोल क्या रहा, और जैसे बोला, आगे पढ़िए 12:13, अतः नहीं 14 पढ़िए। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा, हाँ, कि वह अति सुंदर है, और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, हाँ, इसलिए वह स्त्री फिरौन के घर में पहुंचाई गई। अब ध्यान रखे, अब्राहम ने यह बात कब बनाया था, प्रोग्राम कब बनाया, मिस्र में पहुंचने के पहले। आप जो प्रोग्राम बना रहे हो, सर्वशक्तिमान देख रहा है, उसकी इच्छा को छोड़कर आप जब अपनी इच्छा के अनुसार प्रोग्राम बनाते हो,
परमेश्वर उस प्रोग्राम पर आशीष दे देता है। जैसे प्रोग्राम बनाया वैसा ही हो गया। इसलिए अगर आज रात आप में से कोई विश्वासी अपने इच्छा के अनुसार प्रोग्राम बना रहा है तो चौकस रहे, परमेश्वर आपके प्रोग्राम पर क्या दे देगा? आशीष दे देगा। फिर रोना नहीं, जैसे अब्राहम ने बोला वैसा ही हो गया। आखिरी में पढ़िए ना 16 में क्या लिखा, और फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की। अब फिरौन ने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, हाँ, और उसको भेड़ बकरी, हाँ, गाय बैल, भेड़ बकरी गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां और ऊंट मिले। क्या मिले? गधे गधियां ऊंट दास दासी। दिया किसको? अपनी पत्नी को। मिला क्या? लिस्ट लिखा, दास दासी, भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियां, गधे गधियां मिली है। उधर बैठकर गाना गाते हुए बैठा है कौन? अब्राहम। प्रभु का मेरे हिसाब से कौन सा गाना गा रहा है? प्रभु का धन्यवाद करूंगा। क्यों? ऊर से निकल कर आया, इधर आकर मैं राजा का क्या बन गया? बहन दिया है ना, तो राजा क्या बन गया? राजा क्या बना अभी? हाँ, हरियाणवी में क्या बोलेंगे? जीजा। राजा का जीजा। दिया बीबी को, क्या लेकर बैठा? गधे गधियां लेकर बैठा। सो इधर ध्यान से समझना, परमेश्वर वफादार है। हम बहुत लोग दाएं बाएं चले गए, लेकिन परमेश्वर का अपार कृपा, परमेश्वर डंडे हमें नहीं मारा, किसी और को पड़ी हमारे कारण। इधर डंडे किसको पड़ गए? फरो को परमेश्वर ने पकड़ा, और फरो बेचारा डर के मारे किसको दे गया? दासी सारा को वापस किसको दिया? अब्राहम को दे बैठा। सो इधर से हमने सबक सीखना, एलिया अपने जगह से क्या नहीं किया? उठा नहीं, मैं अपनी मर्जी कर सकता हूं लेकिन नहीं करूंगा। अब्राहम अपनी मर्जी में गया तो सही, सारा मिल तो गई, लेकिन घर में हाजिरा आ गई, जिसके कारण आज तक दुनिया कोस रहा, दुनिया आज तक रो रहा है। किसकी गलती के कारण? एक अब्राहम। एक और उदाहरण पढ़ लीजिए, गिनती का पुस्तक 11 अध्याय, इधर एक घटना आप पढ़िएगा, 11 का 1 से पढ़िए। फिर वे लोग बुड़बुड़ाने, हाँ, और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे, हाँ, अतः यहोवा ने सुना, हाँ, और उसका क्रोध भड़क उठा और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी, हाँ, और छावनी के एक किनारे से, हाँ, भस्म करने लगी, हाँ, तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए, हाँ, और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, हाँ, तब वह आग बुझ गई, हाँ, और उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा, हाँ, क्योंकि यहोवा की आग उनमें जल उठी थी। आगे, हाँ, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके बीच में थी वह कामुकता करने लगी, हाँ, और इस्राएली भी रोने लगे, हाँ, हमें मांस खाने को कौन देगा, हाँ, हमें वे मछलियां स्मरण हैं जो हम मिस्र में सेंत मेंत खाया करते थे, और हाँ, वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज, हाँ, और लहसुन भी, हाँ, क्या क्या है? खीरे, खरबूजे, गंदने, हाँ, प्याज और लहसुन। मच्छी तो फ्री मिलता था, बाकी सब पैसे दे कर लेते थे। आगे,
हाँ, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ हाँ, और कुछ भी देख नहीं पड़ता। हाँ, मन्ना तो धनिये के समान था। हाँ, अब क्या बोलते हैं, मन्ना के अलावा खाने के लिए और कुछ भी नहीं है। आप ध्यान रखें, आप जो बुड़बुड़ करते हो, आप जो लंबी सांसें लेकर प्रभु के सामने कुड़कुड़ाते हो, परमेश्वर सब सुन रहा। आप ये ना सोचो कि परमेश्वर सुनता नहीं, सब सुना है। और परमेश्वर ने जवाब में क्या दिया, बोला बच्चों कोई टेंशन नहीं लेना, मच्छी मिलता था ना, चलो इधर मच्छी तो नहीं दे पाऊंगा, कम से कम मैं क्या दे दूंगा, मीट दे दूंगा। पढ़िए ना उसका 19, हाँ उसका 18 से पढ़िए। और लोगों से कह, हाँ, कल के दिन अपने को पवित्र करो, कल के दिन अपने आप को पवित्र करो, हाँ, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। क्या मिलेगा? मांस खाने को मिलेगा। हाँ, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए, तुम यहोवा के सुनते हुए यह कह कह कर रोए हो, ये कह कह कर रोए हो कि हमें मांस खाने को कौन देगा, कि हमें मांस खाने को कौन देगा, इस मिस्र में ही, हाँ, इस मिस्र ही में भले थे, हाँ, इसलिए यहोवा तुमको मांस खाने को देगा। इसलिए ध्यान रखे, परमेश्वर क्या बोला है, आपने मीट मांगा, टेंशन नहीं लेना, मैं दे दूंगा। हाँ, आगे, और तुम खाना, फिर तुम एक दिन या दो दिन या पांच या दस या 20 दिन ही नहीं, परंतु महीने भर उसे खाते रहोगे। कितना मीट मांगा? थोड़ा सा। परमेश्वर क्या बोलता है, एक दिन नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, 20 नहीं, महीना भर के लिए मीट दूंगा। आगे, जब तक वह तुम्हारे नथनों से निकलने न लगे, इतना खिलाऊंगा कि तेरे नाक से बाहर ना लेके। प्रभु हमारा प्रार्थना का जवाब देने वाला ईश्वर है, सच है, मांगोगे तो मिलेगा, है ना। तो क्या मांगा? मीट मांगा। इसलिए ना कई लोग बोलते हैं, हिला हिला कर, दबा दबा कर आपको देगा। एक बार मीट मांगा, परमेश्वर क्या बोला, एक महीना दूंगा, जब तक किधर से ना आए, नाक से ना। इतना अच्छा हमारा परमेश्वर है। आगे, हाँ, क्या वे सब भेड़ बकरी, गाय बैल, हाँ, उनके लिए मारे जाएं कि हाँ, उनको मांस मिले, हाँ, या क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठी की जाएं कि उनको मांस मिले। हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? क्या मूसा बैठकर टेंशन में आ गया, अब इनको मीट कहां से देंगे, इतनी 32 लाख से ज्यादा, प्रभु तूने तो बोल दिया मीट खिलाऊंगा, लीडर तो मैं ही हूं, कल तू मेरे को ही बोलेगा इनको खिला, मैं इनको कहां से ला कर दूंगा। तो आगे प्रभु क्या बोलता, अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है, हाँ, वह पूरा होता है, मेरा वचन जो पूरा होता है या नहीं। हाँ, तब मूसा ने बाहर, हाँ, जाकर, हाँ, अब मूसा ने बाहर, अब उसका 31 से पढ़िए। तब यहोवा की ओर से, हाँ, एक बड़ी आंधी आई, यहोवा की ओर से एक बड़ी आंधी आई, और वह समुद्र से बटेरे उड़ा के, हाँ, छावनी पर और, हाँ, उसके चारों ओर इतनी ले आई, हाँ, कि वे इधर उधर एक दिन के मार्ग तक, हाँ, भूमि पर 2 हाथ के लगभग ऊंचे तक छा गए, हाँ, और लोग उठकर उस दिन भर और रात भर और दूसरे दिन भी दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। ध्यान रखना, रात 32 दोबारा पढ़िए, और लोग उठकर उस दिन भर, ध्यान रखे, पूरे दिन लगे रहे। आगे, रात भर, रात को नींद नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो, है यीशु महान, बोलते हुए क्या कर रहे हैं, पूरी दिन की दिहाड़ी बटोरे, रात को भी बटोर रहे हैं, फिर और दूसरे दिन भी और अगले दिन भी बटोर रहे हैं। हाँ, दिन भर बटेरों को बटोरते रहे। हाँ, जिसने कम से कम बटोरा, हाँ, उसने 10 होमेर बटोरा, 10 होमेर बटोरा। आगे, और उन्होंने उन्हें छावनी के चारों ओर फैला दिया, छावनी के चारों ओर फैला दिया। आगे, मांस उनके मुंह ही में था। अब ध्यान से, गाना खूब गाया, अब पकाकर, प्रभु कितना अच्छा है,
हम अगर नहीं मांगते तो प्रभु देता नहीं, मांगा इसलिए हमारा प्रभु क्या किया, हमें मीट दिया है, अब खा रहे हैं। खाते वक्त हाँ, और वे उसे खाने नहीं पाए थे, वो उनको खा नहीं पाए थे, मुंह में ही था, स्वाद चख रहे थे, हाँ, कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा, यहोवा का क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा, हाँ, और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा, बहुत बड़ी मार से मारा, और उस स्थान का नाम किब्रोथ तावा पड़ा, किब्रोथ तावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी, हाँ, उनको वहां मिट्टी दी गई, उधर उनको मिट्टी दी गई, कब मारा, जब खाना किधर था, उनके मुंह में था, ये हमारे लिए सबक। मैंने तीन उदाहरण दिखाए, एलिया, अब्राहम, इसराइल। एलिया अपनी जगह से क्या नहीं किया, उठा नहीं। नंबर दो, अब्राहम कनान में अकाल आने के कारण किधर चला गया, मिस्र में चला गया। नंबर तीन, इसराइली को हम देखते हैं, उससे समझ में आ जाना, प्रभु तेरे को मेरे जीवन में एक इच्छा है, मैं अपनी इच्छा कर सकता हूं तो भी मुझे अपनी इच्छा नहीं करनी, तेरी इच्छा के लिए मैं क्या हूं, समर्पित हूं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हैं तो आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, दाएं बाएं जाएंगे तो भी परमेश्वर आपको मार्ग में लेकर आएगा। हमें अगुवाई करने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। मैं आपसे एक उदाहरण बता रहा हूं, हम लोग अपनी गाड़ी लेकर इतनी दुनिया भर घूमते हैं, कई जगहों में रास्ता भी नहीं मालूम, रात का समय होता है, पता नहीं कैसे जाना है। हमारे फोन में एक GPS बोलकर चीज है, हम इसको ऑन कर चलते वक्त ये बराबर हमें रास्ता बताते जाता है। अभी मैंने इधर से अगर दिल्ली जाना है, मैंने सिर्फ इसमें टाइप करना है यहाँ से दिल्ली, दिल्ली में कौन सी जगह जाना पूछेगा, मैं गाड़ी में बैठते वक्त आराम से ये सड़ोरा से मुझे लेते लेते जाएगा, मुझे कहीं किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं। बीच में अगर पेट्रोल पंप में घुस गए तो ये भाई साहब हल्ला करने लगेगा, बोलेगा ये दिल्ली नहीं है, तू गाड़ी यू टर्न ले। मैं तो गाड़ी में तेल भरने के लिए घुसा हूं, लेकिन मेरे से GPS क्या बोलता है, भैया ये क्या नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, दिल्ली और इतने किलोमीटर है। मैं बोलने का मतलब, अगर एक छोटा सा फोन मुझे यहां से दिल्ली तक रास्ता दिखाने के लिए मदद करता है तो सर्वशक्तिमान स्वर्ग में बैठकर नहीं संभाल रहा, मेरे अंदर बैठा है, मेरे को अपनी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए क्या रखता है, सामर्थ्य रखता है। लेकिन मुसीबत आती कब है, जब मैं अड़ जाता, मुझे परमेश्वर की इच्छा नहीं, किसकी इच्छा चाहिए, अपनी इच्छा चाहिए। सो इसलिए हमारा प्रार्थना क्या होना, हे बाप मुझे अपनी मर्जी में ना छोड़, तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या हो जाए, पूरी हो जाए। और ऐसा समर्पण है तो दाएं बाएं जाएंगे तो भी अपने रास्ते में लेकर आएगा। उसके लिए बाइबल में एक अच्छा उदाहरण है, प्रभु का दास था, उसका उसको बोला था निनवे जाने के लिए, लेकिन भाई साहब दूसरी जहाज में चढ़ गए, बोले तर्शीश जाएंगे। परमेश्वर ने पीछे किसको लगा दिया, एक बड़ी मच्छी को लगाया। निनवे जाने, तर्शीश जाने वाले को समुद्र के बीच में ही उसका जहाज बदल दिया। पहले तो जहाज पानी के ऊपर था, अब दूसरा जो जहाज आया वो पानी के अंदर था, और वापस किधर लाकर उसको उतारा, उसको जिधर नहीं जाना चाहता था उधर लाकर उतारा। वो जमाना शैम्पू का नहीं है, डव साबुन का नहीं है, प्रभु का दास जब मच्छी के मुंह से बाहर निकला उसकी हालत क्या होगी। मैं बोलने का मतलब, हमारा कितना बड़ा सौभाग्य, हमें किसी का किसी से हाथ दिखवाने का जरूरत नहीं। मेरे बाप को मेरे जीवन के विषय क्या है, एक योजना है। हमारी प्रार्थना क्या होनी, हे प्रभु तू स्वयं अस्तित्ववान है, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। हम अगले स्वभाव में हम जाएंगे, निकाल लीजिए पहला इतिहास,
उसका 29 का 11। इसी बीच में हमारे बीच में कोई फौजी भाई है, अगर है तो हाथ ऊपर करे। कोई फौजी भाई है अभी जो फौज में है? कोई है? कोई नहीं? हाँ जी, तो पहले कोई था, भूतपूर्व कोई था। एक सलूट मारना है, आकर सलूट मारेंगे? आ जाइए, चलिए पढ़िए पहले इतिहास। इधर आ जाना, स्टेज में आ जाना। पहले इतिहास 29 का 11। हे यहोवा, अब ध्यान से वचन सुनना। हे यहोवा, महिमा, ध्यान से सुनना, महिमा, पराक्रम, पराक्रम, शोभा, शोभा, सामर्थ्य, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, तेरा ही है। क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। अब इधर ध्यान से समझना, इधर क्या क्या लिखा है, दोबारा पढ़िए। हे यहोवा, आप उधर बैठ जाइए, मैं बुलाऊंगा आपको। हाँ, हे यहोवा, हे यहोवा, महिमा, ध्यान से सुनना, महिमा, पराक्रम, पराक्रम, शोभा, शोभा, सामर्थ्य, सामर्थ्य और वैभव, वैभव तेरा ही है। कितनी चीजें, कितनी चीजें, पढ़कर देख लीजिए अपनी बाइबल में, कितनी चीजें, जोर से बोलिए। पहला क्या है? महिमा। आप लोग बोलिए पीछे, महिमा। नंबर दो, पराक्रम। नंबर तीन, नंबर चार, हाँ पांच, ये सब किसका ही है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है, जो हमारे बीच में आज रात उपस्थित है। हम जो अगला स्वभाव देख रहे हैं वो क्या है? परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब पढ़िए अय्यूब 11 का 7 और 8। अय्यूब 11 का 7 और 8। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? ध्यान से समझना इसका मतलब क्या है। अभी समझाने के लिए मेरे सामने ये प्रोजेक्टर है, ये कैसे काम करता है इसको समझने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। एक पेचकस ले लो, इसमें स्क्रू लगे हैं, खोल सकते हो, खोलकर टेबल में इस चीज को बिछाकर आपको आइडिया लग जाएगा काम करता कैसे। सर्वशक्तिमान में कोई स्क्रू नहीं लगे जो आप स्क्रू ड्राइवर से खोल सकते हो। सर्वशक्तिमान का स्वभाव, वो कैसे काम करता है, कोई अपना दिमाग लगाकर क्या नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता है। जितना वो अपने आप को प्रकट करता है उतना ही हम समझ सकते हैं। आगे पढ़िए अय्यूब 26 का 14। अय्यूब 26 का 14। हाँ, देखो ये तो उसकी गति के किनारे ही है, देखो ये तो उसके गति के किनारे ही है, और उसकी आहट फुसफुसाहट ही सी सुन पड़ती है। हाँ, फिर उसके पराक्रम के गर्जने का भेद कौन समझ सकता है। इसके साथ पढ़िए भजन संहिता 145 का 3। महान यहोवा, महान और अति स्तुति के योग्य है, अति स्तुति के योग्य है, और उसकी बड़ाई अगम है, और उसकी बड़ाई अगम्य है। मैं और आयते पढ़ रहा हूँ, यशायाह 55 का 8 और 9, फिर इकट्ठा इसका विवरण देंगे। यशायाह 55 का 8 और 9। क्योंकि यहोवा कहता है, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार हाँ, एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति हाँ, और मेरी गति एक सी है, एक सी है। हाँ, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में हाँ, और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में हाँ, आकाश और पृथ्वी का अंतर है, इतना अंतर है। इसके साथ पढ़िए पहला तिमोथी 6 का 16। पहला तिमोथी 6 का 16। और अमरता केवल उसी की है, अमरता
केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और अगम्य ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा किसी मनुष्य ने उसे नहीं देखा और न कभी देख सकता है। इतनी आयतें पढ़ने वक्त हमें क्या समझ में आता है? हमारे बीच में जो उपस्थित है वो सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब उससे महान, उसके उससे ऊंचा या उसके बराबर कोई है नहीं। तो हम जब आराधना करते हैं, आराधना असली में है क्या? अब भाई साहब आगे आ जाएंगे, सलूट मारने का मैं विषय, आराधना क्या है आपको मैं समझा रहे हैं। आप एक सलूट फौज में कैसे सलूट मारते हैं, एक सलूट ध्यान से इनको देखें, उधर मुंह करके देखिए, एक और बार आप सलूट मारेंगे, एक और बार पैर पैर मार के, पैर जैसे मार। अब आपने देखा, मैं ये उदाहरण आपको क्यों दिया समझिए, मैं फौज का एक ऑफिसर हूं, समझना, मैं उस रास्ते जा रहा हूं, ये फौज में एक फौजी कुछ भी काम कर रहे थे, मुझे जाते ही देखते इन्होंने क्या किया, पैर उठाकर जोर से मारा है। और क्या किया, क्यों, उसका मतलब क्या है? और ट्रेनिंग के समय कूट कूट कर सिखाया जाता है सलूट मारना कैसे, और अगर इनका सलूट ठीक नहीं है मालूम है पिट्ठू लग जाता है। पिट्ठू का मतलब भारी पत्थर उठाना पड़ता है पूरा दिन। अब इन्होंने मुझे सलूट मारा क्यों, उसके पीछे का कारण क्या है, सलूट मारते हुए क्या बोल रहे हैं, आप मेरे ऊपर के अधिकारी हैं, मैं आपके उस अधिकार को क्या कर रहा हूं, मान रहा हूं। और फौजी ऑफिसर सलूट को ध्यान से देख रहा है, सलूट ठीक है या नहीं है। अगर फौज का ऑफिसर जो इंसान है उसको अगर एक साधारण फौजी ऐसे सलूट मारता है तो हमारे बीच में कौन है, हमारे बीच में कौन है? आराधना बोलने का मतलब क्या है? जैसे एक फौजी अपने ऑफिसर को सलूट मारता, एक विश्वासी परमेश्वर को क्या कर रहा, सलूट मार रहा है, क्या बोल रहा है, हे प्रभु तू ही आदर, तू ही महिमा और तू ही स्तुति के योग्य है। आराधना कितना गंभीर है इस बात को हमने समझना, बहुत तेरे विश्वासी, अब आप बैठ जाएं, शुक्रिया, बहुत सारे विश्वासी आराधना करने के जगह में मीटिंग में बैठकर हल्ला करते हैं, अन्य भाषा बोलकर क्या करते हैं, हल्ला करते हैं। आराधना हल्ला नहीं है, मैं सर्वशक्तिमान की महिमा को, जो उसकी महिमा प्रताप पराक्रम ये सब उसका जब स्वभाव है, वो परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होकर हमारी आराधना को क्या कर रहा है, ध्यान से देख रहा है, तू आराधना कर कैसे रहा है। मेरे पिताजी आर्मी में ऑफिसर जब थे, वो इंदिरा गांधी के लाइसेंस ऑफिसर थे, जब वो नॉर्थन कमांड में आई थी, मेरे पिताजी बोलते हैं जब वो आई थी तब एक लेफ्टिनेंट जनरल ने इंदिरा गांधी को सलूट मारा, इंदिरा गांधी ने बोला हाँ तेरा सलूट ठीक नहीं है दोबारा मार। एक लेफ्टिनेंट जनरल को इंदिरा गांधी के सामने दोबारा सलूट मारना पड़ा। अगर इंसान का सलूट इतना महत्व रखता है, हमारे बीच में कौन है, सेनाओं का यहोवा, वो हमारे बीच में उपस्थित है या नहीं है, सोच है या सच में है। पहले एक समय था, आपको मालूम है, जब शक्तियां हमारे बीच में प्रकट होती थी,
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हजूरी में, ध्यान से सुनना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हजूरी में परमेश्वर अनुमति देता था शक्तियों को प्रकट होने, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ऐसे भी एक दुनिया है। लेकिन अब परमेश्वर शक्तियों को प्रकट होने क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो सब देख लिया है। अब एक दौर चल रहा है वचन सीखने का। इसलिए आप और मैं, पहले शक्तियां दिखती थी, अब हम खुद हैरान है, हे प्रभु बिना आराम के हमें इतना भाग भाग कर वचन सिखाने का तू जो माहौल बना कर दिया, हम बिना आराम के भाग रहे हैं। क्या मालूम इसके बाद अगला दौर कौन सा है? हमने प्रेरित को देखा है, पीछे शायद अगला जो आने वाला हमें नहीं मालूम कौन है, शायद एक अभिषिक्त नबी आ रहा है। और अगर नबी खड़ा हो गया, वो भविष्यवाणी के वरदान के साथ नहीं खड़ा होगा, वो परमेश्वर का अभिषिक्त नबी होगा। वो ऐसे बैठकर क्लास नहीं लेगा, वो खड़े खड़े चमड़ी उधेड़ेगा, क्योंकि कलीसिया पवित्र होना है। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर हमारे पाप को खोलने के पहले, हम अगर खुद अपने पाप को मान लें तो परमेश्वर का दया हम पर हो सकता। अब एक उदाहरण आपके सामने कहने के लिए, हम मीटिंग में जब बैठते वक्त बहन लोगों ने सिर में कपड़ा डालना, क्यों डालना है आप बोलिए, उसके पीछे का कारण क्या, क्यों सिर में कपड़ा डालना होता है? हाँ जी बहन लोग बोलिए ना, क्यों सिर में कपड़ा डालते हैं? बोलिए भाई लोग, बोलिए भाई लोग, सिर में कपड़ा डाल ही नहीं सकते हैं कितना भी ठंड हो, बोलिए क्यों नहीं डाल सकते, उसके पीछे का कारण क्या? निकाल लीजिए, पहला कुरंती 11 अध्याय पहले वचन से आप पढ़िए, पहला कुरंती 11 उसके पहले वचन से आप पढ़िएगा। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। हाँ, हे भाइयों मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो। तुम हाँ, और जो परंपराएं मैंने तुम्हें सौंपी हैं, हाँ, उनका पालन करते हो। हाँ, परंतु मैं चाहता हूँ, हाँ, कि तुम यह जान लो, हाँ, कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। हर एक पुरुष का सिर, ध्यान से मैं आपसे सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनना, हर एक क्या है? पुरुष का सिर मसीह है। पुरुष का सिर मसीह है। आगे, और स्त्री का सिर पुरुष है। ध्यान रखना, इधर पत्नी नहीं लिखा, क्या लिखा? स्त्री का सिर पुरुष है। आगे, और मसीह का सिर परमेश्वर है। अब मुझे बताइए पहला कौन है? भाई लोग बोलिए, सबसे पहला कौन है? हाँ जी, बाइबल खोल कर देख लो ना, मुझे ना देखो, उसमें क्या लिखा देख लीजिए, क्या लिखा, सबसे पहला कौन है? हाँ जी, नहीं मालूम, पढ़ो ना, बाइबल खोलो ना, खरीदा है ना 200 रुपये 150 रुपये का, काहे उठाकर घूमते हो? सबसे पहला कौन है? मसीह है, परमेश्वर है, कौन है? पढ़ो ना, दोबारा पढ़ लीजिए। परंतु मैं चाहता हूं, हाँ, कि तुम यह जान लो, हाँ, कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। हर एक पुरुष का सिर मसीह है। और स्त्री का सिर पुरुष है। स्त्री का सिर पुरुष है। और मसीह का सिर परमेश्वर है। मसीह का सिर परमेश्वर है। तो सबसे पहला कौन है? परमेश्वर। नंबर दो, नंबर तीन पति है या पुरुष है? नंबर चार स्त्री। हाँ, ये क्रम आप समझना, सबसे पहला परमेश्वर, नंबर दो मसीह, नंबर तीन पुरुष, नंबर चार स्त्री स्त्री है। सो आगे पढ़िए, जो पुरुष
सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है। जो पुरुष सिर ढांपे हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। वह अपने सिर का अपमान कर रहा, उसका सिर कौन है? मसीह का अपमान करता है। आगे, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है, वह अपने सिर का अपमान करती है। उसका सिर कौन है? पुरुष का क्या कर रही है? अपमान कर रही है। क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है, क्योंकि वो मुंडी होने के बराबर है। हाँ, यदि स्त्री ओढ़ना न ओढ़े, अगर स्त्री ओढ़ना ना ओढ़े तो बाल भी कटा ले। क्या कर ले? प्रार्थना में बैठने का सिर में कपड़ा डालने का मन नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर लो, बाल काट लो, शेव कर लो। आगे, यदि स्त्री के लिए हाँ बाल कटाना या मुंडन कराना लज्जा की बात है, अगर ये आपके लिए लज्जा की बात है तो ओढ़नी ओढ़े, तो बाल नहीं काटना तो क्या कर लो, आधा नहीं पूरा सिर को ढांपना है। आगे, हाँ हाँ पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, पुरुष को अपना सिर ढांपना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है। वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा है। अब इधर ध्यान से, एक भाई आगे आ जाए और एक बहन आगे आ जाए, स्टेज में आ जाओ, कोई एक भाई या एक बहन, भाई और एक बहन, कोई एक भाई आगे आ जाओ, कोई एक आ जाओ, मैं क्रूस पर नहीं चढ़ाऊंगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई एक भाई आगे आ जाओ, बहन भी आगे आ जाओ, स्टेज में आ जाओ, समझाने के लिए इसका गंभीरता। इधर आगे आ जाओ भैया, वचन, हाँ आप उधर खड़े हो जाओ, आप इधर खड़े हो जाओ, समझा रहा हूँ, समझो, मैं परमेश्वर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये उदाहरण है। कल को ये नहीं बोलना कि फिन्नी पास्टर अपने आप को क्या बोलने लगा, परमेश्वर, मैं परमेश्वर नहीं, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जब मेरी उपस्थिति में हो, प्रार्थना में जब हम आए हैं, परमेश्वर की उपस्थिति है, तब ध्यान रखें, पुरुष सिर में कपड़ा नहीं डाल रहा, कारण उधर क्या लिखा, परमेश्वर की, ये पुरुष कौन है? परमेश्वर का क्या है? स्वरूप और महिमा लिखा है ना, ये मेरा स्वरूप और महिमा होने के कारण मेरी हजूरी में बैठने वक्त क्या नहीं करना, सिर डांपना नहीं है। ये कौन है? ये किसकी महिमा? पुरुष की। हाँ जी, पुरुष की महिमा होने के कारण सिर हटाना भी नहीं है। समझ में आ रहा? मेरी हजूरी में अपनी महिमा, ये किसकी महिमा? पुरुष की महिमा, अपनी महिमा को दिखाना नहीं, ना ही मेरी महिमा को क्या करना, ढांपना है। इसलिए वचन में स्पष्ट लिखा है, अगर सिर में कपड़ा नहीं डालना तो क्या काट लो, बाल काट लो। आपको ध्यान होगा, प्रभु के दास सिर में टोपी डालते थे, डालने वक्त सबसे माफी मांगते थे, बोलते मेरे सिर में बहुत तकलीफ होने के कारण मैं क्या कर रहा हूं, उनको मालूम है ये सही नहीं है, इसलिए सबसे क्या मांगते थे, माफी मांगते थे। लेकिन बहुत से लोग उसी को लेकर क्या कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, सिर में क्या कर लो, कपड़ा डाल लो। अभी आपको समझ में आया? अभी आप लोग जाइए, दोनों जाइए, समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण आपको बोला। पुरुष को सिर में क्या नहीं डालना, क्यों? किसकी महिमा? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा होने के कारण सिर को क्या नहीं कर सकता, ढांप नहीं सकता। सो हमारे बीच में जब परमेश्वर खुद उपस्थित है, हमारी आराधना को देख रहा है, जब परमेश्वर की हम आराधना करते, पढ़िए एक आयत पढ़ लीजिए, उत्पत्ति 28 का 17 पढ़िए, उत्पत्ति 28 का 17। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। याकूब,
अपने बाप के घर से भागकर मामा के घर जा रहा, चालाक था, भाई को धोखा दिया, बाप को भी धोखा दिया, भागकर जाने को रात को लूज बोलकर एक जगह में सो रहा। सोते वक्त उसने दर्शन देखा, स्वर्ग से एक सीढ़ी उतर रही है, सीढ़ी के ऊपर परमेश्वर खड़ा है। डर गया, डर कर क्या बोलता है, ये जगह क्या है, परमेश्वर का भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता। यानी एक दर्शन देखते ही याकूब डर गया। यानी मैं और आप परमेश्वर की हजूरी में जब आकर बैठते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, कितने भय के साथ हमने आकर बैठना। हम किसी आदमी के सामने नहीं आए, किसके सामने आए हैं, पवित्र परमेश्वर की हजूरी में आए। इसके साथ आप पढ़िए लूका 5:8, लूका 5:8। यह देखकर समोन पत्रस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से जा, हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। सिमोन पत्रस के जीवन में परमेश्वर ने जब काम किया, तब पत्रस यीशु को क्या बोल रहा है, हे प्रभु तू मेरे से क्या कर, चला जा, क्यों, मैं तेरे सामने खड़े होने के लिए लायक नहीं हूं, मैं पापी मनुष्य हूं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं, तब हमें हमारी गंदगी दिखने लगती है, हमें मालूम चलता है, एहसास होने लगता है कि मैं तेरे सामने क्या नहीं कर सकता, बैठ भी नहीं सकता। एक और आयत पढ़िए, उत्पत्ति 18:27। फिर अब्राहम ने कहा हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं। मैं क्या हूं, मैं मिट्टी और राख हूं। हाँ, तो भी मैंने इतनी डिठाई की। अब कई लोग मीटिंग में खड़े होकर परमेश्वर के सामने थोड़ा ज्यादा ही नम्र बन जाते हैं, बोलते मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कीड़ा हूं। कई यहां तक हद पार कर देते, बोलते मैं तो नाली का कीड़ा हूं। ईमान को बोलते, उसी से समझ लेना, ये घमंडी नंबर एक है, नम्रता में घमंड करता। अब्राहम किसी और को नहीं बोल रहा, किसको बोल रहा, परमेश्वर को क्या बोल रहा है, मैं क्या हूं, मिट्टी और राख, तू हमसे क्यों बोलता है नाली का कीड़ा, तू परमेश्वर को बोल तू नाली का कीड़ा। इधर अब्राहम क्या बोल रहा है, मैं तो क्या हूं, धूल और राख। यानी हम जब उस परमेश्वर के सामने आते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके बराबर कोई दूसरा नहीं है, जिससे ऊंचा कोई और नहीं, हम उसकी महानता को देखकर जब आराधना करते हैं, सर्वशक्तिमान हमारी आराधना को ध्यान दे रहा है। जैसे एक फौजी ऑफिसर एक फौजी की सलूट को देख रहा है, वैसे आज रात जीवित परमेश्वर जो एकमात्र है हमारी आराधना को देखता है। तू मेरी आराधना करता कैसे है, क्या तू मुझे समझ पाया है कि मैं कौन हूं। अगर परमेश्वर को जो आदर हमने देना, अगर हम देंगे तो परमेश्वर की हजूरी हम महसूस करेंगे। हम कई बार परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस क्यों नहीं करते, उसको जैसे आदर देना है हम क्या नहीं करते हैं, आदर करते नहीं। आराधना क्या है, घुटने के बल बैठे होते हैं, घुटने के बल खड़े हो जाते हैं। अगर घुटने के बल बैठ नहीं पाते तो खड़े होकर हम प्रभु के सामने, हे प्रभु सिर झुके हैं, हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझे तेरे सामने खड़े होने के लिए लायक भी योग्य भी नहीं हूं, मैं कितना गंदा हूं। उसके पवित्रताई के सामने हमें अपनी गंदगी दिखाई देती है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आज रात उस पराक्रमी ईश्वर उसकी आराधना करें। वो हमारे बीच में है,
हम जैसे जैसे वचन सीखते जा रहे हैं हमारी आराधना में वो गंभीरता आ जाए। हल्ला ना करें, आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है। घुटने के बल बैठ सकते हैं, घुटने के बल बैठे हैं। हालेलुया। घुटने में दर्द होगा, कोई दिक्कत नहीं, उस महान परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें। हे प्रभु, मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित है, मेरा सलूट कैसे है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो। हम हालेलुया भी जब मुंह में लेते हैं, हे प्रभु मैं शब्द भी मुंह में लेने के लिए लायक नहीं। दानियल कहता है जब वो व्यक्ति मेरे से बात किया, मेरे जी में जी नहीं रहा। हालेलुया, मैं मरा हुआ सा पड़ा था। यूहन्ना भी पत्मोस में जब यीशु का दर्शन देखा, मरे हुए की तरह नीचे गिरा था। हालेलुया, आज रात हमारी आराधना कैसे है। हालेलुया, वो आराधना के योग्य है, परम पवित्र है, अतुल्य है, शोभा उसी का है, पराक्रम उसी का है, महिमा उसी का है। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह कहता मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। हालेलुया, हालेलुया। थी बिलारा बाश्यम दिली बिलार दिली भी खम दुर बलो बलो बाश्या नियाला बलो बा दिली बिलो बलो बाशी ने बेरे भी लो बा 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 बाशी कर बलो बलो बाश्या निबिना बंद दिली भी न बाश्या का निदार दिली भी लो बा 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 बाशी ला 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 बलो बा। हालेलुया, उस भय के साथ उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करें। हमने अभी तक देखा वो अनादि काल का है, स्वयं अस्तित्ववान है, सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया। हम दूसरों का लिखा हुआ गाना गाते हैं, आज रात मेरा गाना क्या है? क्या मैं आराधना कर पा रहा हूं या मुझे नींद आ रही है? क्या मैं घड़ी देख रहा हूं? मैं किसकी उपस्थिति में हूं? हालेलुया, हालेलुया। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो रे प्रभु यीशु की, कितना महान, जो तूने बना।
सितारे सुनु गर्जन भयंकर सामर्थ्य तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसाओ वे प्रभु यीशु के कितना महान कितना महान प्रशंसाओ वे प्रभु यीशु के कितना महान कितना प्रशंसाओ वे प्रभु यीशु आराधना करें हालेलुया कितना महान आहे भर भर कर कितना महान प्रशंसाओ वे प्रभु यीशु के कितना महान कितना महान आराधना करें अपने आप को पवित्र आत्मा के उस नियंत्रण में सौंप दें हालेलुया खुद हिलने का कोशिश ना करें लेकिन जब पवित्र आत्मा सहने के बाहर हिलाता है नियंत्रण करने का भी कोशिश ना करें मेरा प्रभु महान मुझ पापी में क्या देखा था मुझ गंदे में तूने क्या देखा प्रभु तेरा पुत्र होने का सौभाग्य तूने दिया पत्रस कह रहा है तू मुझसे दूर हो मेरे प्रभु मैं पापी हूं हालेलुया स्वर्ग में सराफीम तीन पंखों से दो पंखों से उड़ते हैं दो से मुंह ढांपते दो से पैरों को ढांपते हुए कहते हैं सेनाओं का यहोवा पवित्र है पवित्र है पवित्र है जो अगम्य ज्योति में वास करता है हालेलुया जिसको किसी ने कभी देखा नहीं हालेलुया उस हमारे पिता की आराधना करने का सौभाग्य कितना बड़ा सौभाग्य है हालेलुया धन्यवाद आजादी के साथ आराधना करें ताली बजाने का मन है ताली बजाएं, खड़े होने का मन है खड़े हो जाए मुझ पापी में क्या देखा प्रभु हालेलुया हालेलुया स्तुति 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 हालेलुया जय जयकार जय जयकार जय जयकार हालेलुया 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 धन्यवाद तू पवित्र है तू पवित्र है dibile bile ba dibile bile be sham dile ba le ba tele bo lo bo dire bile ba dire be kab dire bile ba la ba sha ni bile bile be la bam dire bile bile be la bam dire bile bile be sha kala ba dire bile ba la ba la ba la ba ni ara dile be la bam dile bile be sha kana dina ba dile be lo bo lo ba ba la ba la ba la ba dile de 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 ba la ba la ba la ba le ba dile bile be la bam dile bile be sha kala ba la ba
Hallelujah. 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 Dhanyavaad. Hallelujah. Hallelujah. Studio. क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय 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 जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए, थाली बजाकर हम गाएं, या तेरा प्यार है मान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है मान, तेरा प्यार है जान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जय, हालेलुया, फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा कौन से ताकि आए हयाली, मेरी सूरत बिगड़ी थी मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा कौन से ताकि आए हयाली, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जीवन में कुछ पाई अब भी जिंदगी तो है जिंदा चाबियां, तूने ये है किया, जीवन में कुछ पाई अब भी जिंदगी तो है जिंदा चाबियां, तूने ये है किया, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जय हालेलुया, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ
अपने रूप से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में गवाही तेरे जीने की। अपने रूप से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू में हालेलुया उठने के। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरे जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरे जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, प्यार है जान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे हालेलुया, हालेलुया। मेरा सलूट कैसा है, हालेलुया। प्रार्थना करें, रात के समय आप विश्राम करते वक्त अपने जीवनों को जांच कर देखें। पवित्र परमेश्वर जो आराधना के योग्य है, मैं उस परमेश्वर को कितना आदर देता हूं। प्रेमी प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आज दिन भर तेरे वचन को सीखने का सौभाग्य आपने दिया, तेरे को जानने का ये मौका दिया। जब दुनिया तरसती है, उनको तेरे को जान नहीं पा रहे हैं, तूने हम अयोग्यों को ये मौका दिया, इसलिए धन्यवाद। भय और भक्ति के साथ तेरे साथ चलने के लिए तू हमें सहायता कर। सुना हुआ वचन हम किसी के लिए न्याय का कारण ना हो, ये मौका सारा इंतजाम आप कर दे रहे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सब महिमा आप ही को देते हैं। ये वचनों को और मनन करने के लिए तू हमें सहायता कर। तेरे आमद में देरी है तो कल सुबह फिर तेरे चरणों में बैठकर वचन सीखने के लिए तू हमें सहायता कर। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे।